सॉरी सब गाइस, सोलो गेमिंग हियर फ्रॉम इंडिया। आज हम गेम रिव्यू करेंगे अमंग अस का। आपने बहुत लोगों से ये गेम का नाम सुना रहेगा, पर आपने कुछ लोगों ने कभी खेला नहीं रहेगा, कुछ लोग तो सुने भी नहीं रहते। कुछ लोग ज़्यादातर यूट्यूबर लोग ज़्यादा खेल रहे अभी ये गेम पबजी बैन होने के बाद। इसमें कुछ नहीं आई, आप बचपन में चोर पुलिस खेलते थे कुछ वैसा ही है। बस इसमें चोर के बजाय इधर इम्पोस्टर रहता है, जो ये हम लोग को मारने के लिए आता है। और इम्पोस्टर रैंडमली चूज होता है, आपको मतलब पता नहीं रहता कि कौन रहेगा स्टार्टिंग के गेम में इम्पोस्टर। और इम्पोस्टर ऐसा किल करता है, देखो आपको आवाज़ आया, और लोगों को इधर रिपोर्ट करने का है। देखो ऐसा रिपोर्ट होता है, मैं हूँ इम्पोस्टर, उसके लाल दिखा रहा। अगर आपका अपने दो तीन रहेगा तो लाल दिखाएगी, अब दो तीन इम्पोस्टर रह गए तो लाल दिखाते इधर नाम पे। अगर आपके साथ रहा तो कोई और इम्पोस्टर, और ये रॉन्ग वोट गया तो ऐसा रहता है वॉज नॉट द इम्पोस्टर ऐसा। ये फ्री फ्री कर रहा हूँ, फ्री नहीं क्या बोलते इसको, इसमें डमी है अभी के लिए, तो मैं ऑफिशियल गेम नहीं खेल रहा। ऑफिशियल गेम में मतलब दोस्तों के साथ आप खेलोगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको, मतलब पता नहीं चलता कि कौन इम्पोस्टर है, और ऐसा थ्रिल थ्रिल मस्त मिलता है, ये इम्पोस्टर है, तू था, वो है, वैसा अच्छा अच्छा थ्रिल मिलता है वो ऐसा मानने का, गुपचुप इधर से निकल जाने का, ऐसा रहता है। इवेंट भी होता है, इवेंट सिर्फ इम्पोस्टर कर सकते हैं, वो एक याद रखना। और हाँ, अगर आप इम्पोस्टर नहीं हो तो आपको ये मिलता है, इधर ये एक मिनट, आपको टास्क मिलता है। देखो एक टास्क दिखा, क्योंकि अभी मैं इम्पोस्टर हूँ, बंद करता हूँ तो अभी टास्क दिखाएगा। स्टोरेज वायरिंग इधर दिखेगा, मैप दिख रहा है राइट में, वहाँ से पता चलेगा कि कौन सा किधर जाने का, मतलब टास्क के लिए किधर जाने का है। अच्छी अच्छा सी टू चाहिए, सी टू वेंडिंग, टास्क कंप्लीट, ऐसा रहता है। इसमें तीन मैप्स रहते हैं, उसके लिए आप बोर नहीं होगे अगर एक यही एक मैप है खेलने के लिए, तो मतलब ये जल्दी बोर तो नहीं होगी इतना बोल सकता हूँ मैं, तो हो गया बाद में, मतलब एक दो महीने खेलने के बाद हो गए हम एक बोर। अच्छा गेम है वैसे, आप अपने बडीज दोस्तों के साथ खेल सकते हो, अच्छा है। पर दो लोग नहीं, चार पांच लोगों का ग्रुप बना के खेलोगे तो और मजा आएगा। ऐसे टास्क रहते हैं, इसमें अलग अलग टास्क रहते हैं, हार्ड भी रहते हैं। और अगर हाँ, अगर आप टास्क कर रहे हो तो इम्पोस्टर आपको मार सकते हैं पीछे से, ये भी एक बात है, उसके लिए ज़रा ध्यान से रहना। ये किसका बात है, ये ऐसा टास्क है, आपस से दिखा था वो रिपोर्ट का। इसमें हम स्किप भी कर सकते हैं वोट, देखो स्किप भी होता है, और इधर हम चैट भी कर सकते हैं ऐसा, किसको बोलने के लिए किसका है ये तो नहीं। ये देखो वॉज नॉट इम्पोस्टर, डमी है ना उसके लिए। ये ऐसा ही गेम है। ओके नेक्स्ट में गेम रिव्यू करेगा हिटमैन 3 का, जो अभी न्यूली लॉन्च्ड हुआ है। चलिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, ये हिटमैन 3 का यही वीक कर रहा हूँ मैं, यार टाइम नहीं मिल रहा है आजकल। 11th की पढ़ाई, ओके वही क्या, हाँ ये वैसा, ओके बाय।
Thank you.